आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर तुम इसके पहले का वीडियो समरूपता देख चुके हो तो इसको आसानी से कर सकते हो, उसमें लगभग सारे चीज़ बतलाए हुए हैं। यह कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसलिए एक बार और कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए हमने इस एक्सरसाइज को चुना है कि जिसको थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा तो अक्सर इसको बना करके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है खाली जगह को भरना है। ठीक है, तो खाली जगह को भरने हैं और उसके लिए हमको जो शब्द भरने हैं वह शब्द दिए हुए हैं, यानी हमको इन्हीं शब्दों में से चुन करके खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो देखो कि पहला है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप, ये दो शब्द में से भरने हैं। ठीक है, तो सभी ये हम लोग समझ चुके हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सब तो एक ही रूप के होते हैं ना। सर्वांगसम तो तब होंगे जब उनकी त्रिज्या भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, चाहे उसकी त्रिज्या कुछ भी क्यों ना हो। तो हम यहां पर क्या भरेंगे, समरूप। ठीक है, ये वाला भर देंगे समरूप। दूसरा देखो कि सभी वर्ग डैश होते हैं, वर्ग कोई भी होगा तो वो समरूप ही होंगे हाँ? और अगर उनकी भुजा भी बराबर हो जाए तो फिर वह समरूप होने के साथ साथ सर्वांगसम भी हो जाएंगे। हम लोग ये जान रहे हैं कि हर एक सर्वांगसम आकृति तो समरूप होते ही हैं, लेकिन हर एक समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती है। तो ये समरूप तो होंगे ही, वर्ग छोटा है बड़ा है कोई मतलब नहीं है, यानी इसमें भी हम समरूप ही भरेंगे। ठीक है, उसके बाद डैश, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु की समबाहु, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि समबाहु होते हैं। समद्विबाहु के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो समरूप होंगे या नहीं, है ना, क्योंकि ये देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अगर यह 50 डिग्री है तो यह भी 50 डिग्री होंगे, आधार पर के कोण तो बराबर होंगे, तो यहाँ के लिए कितना बचा, 80 बचा। ठीक है, दूसरा समबाहु त्रिभुज लिए, इस ये 70 डिग्री है, यह भी 70 डिग्री हो जाएंगे, ये दोनों भुजा अगर बराबर हैं तो ये 70 तो यह भी 70, तो यहाँ पर कितना बचे, 40 डिग्री है ना। बहुभुज, यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखा हुआ है कि बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो, तो यहाँ पर तो संगत कोण ही बराबर नहीं हो रहे हैं। पहला ये शर्त पूरा, दो शर्त पूरा करेंगे तब समरूप होंगे कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो या बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो या कहेंगे संगत भुजा समानुपाती हो, तो दोनों शर्त को पूरा करें। यहाँ तो पहला शर्त ही कोण ही बराबर नहीं हो रहे हैं इसलिए ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु तो होंगे नहीं। अब देखो कि समबाहु, ऐसे तो समबाहु के लिए हम पढ़े थे लेकिन क्या हमारा वह शर्त को पूरा करते हैं, चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये भी 60, यह भी 60, यह भी 60। मान लो ये ए है, बी है, सी है, ये पी है, क्यू है, आर है। ठीक है, तो इसमें भी कोण तो 60 ही 60 रहेंगे, है ना। तो देखो कि अगर हम ए बी सी और पी क्यू आर की देखेंगे संगतता, तो ए के बराबर पी है तो 60 60, हर कोण तो बराबर ही है ना, तो संगत कोण बी का संगत क्यू है तो यह भी बराबर है, सी का संगत आर है, ऑटोमेटिक बराबर हो गए, तो कोण तो बराबर होंगे हो गए। अब देखो कि भुजा भी समानुपाती हो जाएंगे, सपोज करो इसकी भुजा कुछ भी है, एक्स है, और
अगर यह x होते तब तो सर्वांगसम भी हो जाएंगे, समरूप तो रहेंगे ही सर्वांगसम भी होंगे। सपोज करो यह y है, अलग है, तो भुजाओं का अनुपात ए बी अब बटे बोलो पी क्यू, और बी सी, बी सी का संगत इसमें क्यू आर है ना, और ए सी, ए सी का संगत पी आर, ठीक है। वैल्यू पुट करो ए बी कितना x, इसकी तो तीनों भुजा x ही होगी ना, समबाहु हैं तो सभी भुजा बराबर, और इसकी तीनों भुजा y ही रहेंगे, तो ये भी y, यह भी x बटे y, यह भी x बटे y, तो तीन भुजाओं का अनुपात तो एक ही रहा है ना, और कोण भी बराबर हुए, ठीक है। हम जो थ्योरी पढ़े उस थ्योरी पर भी लागू है, ऐसे तो ये कॉमन सेंस के आधार पर भी हम लोग जाने थे कि समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, तो इसमें कौन सा देंगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप हुए, ठीक है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, ये तो समरूप होने की शर्त ही है, तो ये तो याद ही रहना चाहिए कि संगत कोण क्या हो, यहाँ बराबर और समानुपाती दो जगह खाली है, दो ही शब्द हैं, तो कौन शब्द कहाँ जाएंगे, संगत कोण, कोण समानुपाती नहीं होते हैं, कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर देंगे बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या देंगे, समानुपाती, समानुपाती, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन केवल थ्योरी के आधार पर था, बना लिए, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, दो दो उदाहरण देना है, पहला है समरूप आकृतियां और दूसरा ऐसी दो आकृति जो समरूप नहीं है। तो ध्यान दो, समरूप आकृतियां बोलिए, बोले हैं, यानी केवल हम त्रिभुज नहीं कोई भी आकृति ले सकते हैं, है ना, तो कुछ भी लो समरूप आकृतियां ले सकते हो दो गो, और समरूप आकृतियां तो अनंत हैं, है ना, तो उसमें से कोई दो गो लोगे तो सबका चॉइस अलग अलग होगा ना, तो यानी इसका उत्तर निश्चित नहीं है, वह तुम्हारे ही विवेक पर निर्भर करेगा, हम जो उत्तर देंगे ऐसा उत्तर तुम्हारा उत्तर अलग भी होगा तब भी चलेंगे, लेकिन उस शर्त का पालन होना चाहिए कि समरूप आकृतियों में क्या होना चाहिए, कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा होना चाहिए। इस उदाहरण के आधार पर तुम बहुत सारा बना सकते हो और उनमें से कोई दो दे देना, ठीक है, और जो समरूप नहीं है यानी इन संबंधों में से कोई एक शर्त को पूरा ना करता हो तो वह, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन तुम्हारा अलग हो सकता है, टेंशन की बात नहीं है, तुम कुछ भी ले सकते हो। अब समरूप आकृति, तो ऐसे तो हम जान रहे हैं कि दो वृत्त, कोई भी दो वृत्त लेंगे समरूप ही होंगे, दो वर्ग ले लेंगे समरूप ही रहेंगे, दो समबाहु त्रिभुज लेंगे वो समरूप ही होंगे, ये तीन तो हम जानते ही हैं, इनको तीन छोड़ करके हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो दो समरूप आकृतियां, इसके अनंत उत्तर हैं तो कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो हम चतुर्भुज ही ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और दूसरा लिए हम पी क्यू आर एस, ठीक है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप चतुर्भुज पी क्यू आर एस हम लिखना चाहें तो क्या होना चाहिए, ए के बराबर पी होना चाहिए, तो कुछ भी मान लो, इसको सपोज करो 100 मान लिए, तो यह भी 100 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है,
यह भी 100 ले लो, हम समांतर लिए हैं, यह भी 100 हुआ, ठीक है। बी 80 लिए, 80 लिए, तो यह भी 80 हो गए, सब मिलके 360, ये ख्याल रखना होगा। और 80, ठीक है। अब ये हम लिए 5 सेंटीमीटर, तो यह भी 5 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर। देखो संगत भुजा का अनुपात एक ही रख रहे हैं, 5/5 एक रहेंगे, ठीक है। ये 4, यह भी 4 लिए, या भुजा का साइज को बदल भी सकते हो, भुजा का ये 5 लिए, तो ये हम ले लेते हैं 2.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/1 का अनुपात, तो ये 4 लिए थे, ये 2 ले लेंगे, ठीक है। तो यह भी 2 हो गया, और ये हो गया 2.5। अब देखो तो संगत कोण तो बराबर किए ही थे, अब ये भुजा का अनुपात 4/2, 5 और 2.5, 2.5 इसका दुगुना है, तो यहाँ भी 2.1, ठीक है। ये दोनों, ये भी 4 रहेंगे, तो 4 और भागा 2, 2 और 5 भागा ये, तो हमेशा तो अनुपात भी एक ही रहे, तो ये समरूपाकृति हो गए। ऐसे ही कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ना दिक्कत करना हो तो हम कोई भी दो वृत्त ही बना दिए, कोई भी दो वृत्त बना दिए, ये एक्स त्रिज्या का, ये वाई त्रिज्या का, हमेशा तो समरूप ही होंगे, है ना। तो कोई भी चुन सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दो आकृति जो समरूप नहीं है, ठीक है। अब मान लो दो त्रिभुज ही ले लेते हैं, ए बी सी, और दूसरा ले लिए पी क्यू आर। बी लिए 60 डिग्री, ये ले लिए 70 डिग्री, यह लिए 40 डिग्री, यह लिए हम 30 डिग्री, यह लिए 80 डिग्री, 60 40 180, ये ख्याल रखोगे। और यह लिए हम 80 डिग्री, अभी भी 100 है, तो एक कोण तो मिल रहे हैं लेकिन अन्य दो कोण बराबर नहीं है, इसलिए समानुपाति नहीं है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी चतुर्भुज ही ले लो, ये वो ठीक, ए बी सी डी, हम केवल एक ही चीज दिखला देते हैं कि बराबर नहीं है, हो गया ये 60, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 120, यहाँ 60 लो और यह 120, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी ले लो तुम, 70 डिग्री ले लिए, 140 डिग्री ले लिए, कुछ भी ले लिए। अब 210 हो गया, हमको 360 रखना है, ठीक है। 100 डिग्री ले लिए, कितना हो गया 240 70 310, अब बच गए 50 ही, इसको हम 50 लिख दिए। तो संगत कोण ही तो बराबर नहीं है, पी क्यू आर एस, संगत कोण ही बराबर नहीं, इसलिए नहीं रहे। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, हो गया, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि चित्र दिया हुआ है और बतलाना है कि ये चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, दोनों चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो कोई भी बहुभुज समरूप कब होते हैं, याद करो कि जब उनके संगत कोण बराबर हो, साथ ही, केवल संगत कोण बराबर होने से नहीं होगा, साथ ही उनकी भुजा समानुपाती हो, यानी एक साथ दोनों शर्तों को पूरा करेंगे तब तो वह समरूप होंगे। इसलिए यहाँ पर देखो कि भुजाओं का अनुपात,
ठीक है, ये चारों भुजा बराबर है, ये भी चारों भुजा बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे अनुपात तो बराबर हो जाएंगे। देखो तुम यहाँ पर कोई लो, हम ले रहे हैं चतुर्भुज ए पी क्यू आर एस और चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, पहला बात ही बराबर नहीं हो रहे हैं, कौन ही बराबर, इसमें तो सब 90 हैं, यहाँ ये सम चतुर्भुज हैं, ये वर्ग हैं और ये सम चतुर्भुज। जब भुजा देखो वर्ग के भी भुजा बराबर होते हैं चारों भुजा, और सम चतुर्भुज के भी चारों भुजा बराबर होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, केवल इतना ही अंतर है। तो भुजाओं का अनुपात तो एक ही रहेगा, है ना, पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू का ए बी के साथ, क्यू आर और सी बी, क्यू आर बटे बी सी, हाँ सी डी बटे आर एस बराबर कितना पी एस अब बटे डी ए, और सब तो चूंकि एक ही है, सब का मान तो 1.5 अब बटे सब का मान 3 ही है, तो ये कट करके 1/2 हुआ, तो भुजा तो समान पाती हैं, लेकिन कोण पी बराबर नहीं है ए का, ठीक है, कोण बी, ये क्यू लिखो, पहले क्यू लिख रहे हैं, तो कोण क्यू बराबर नहीं है कोण बी का, कोई कोण तो बराबर है ही नहीं, और हमको चारों बराबर होना चाहिए, केवल एक अगर रहता, मान लो वैल्यू लिखा हुआ रहता और सब बराबर भी होते, कोई एक भी बराबर नहीं होता, तो हम कहते कि नहीं है, ठीक है। तो कोण कोण आर बराबर नहीं है सी का, और कोण एस बराबर नहीं है कोण डी का, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस समरूप नहीं है चतुर्भुज ए बी सी डी का, तो ये दोनों समरूप नहीं है, भुजा बराबर हैं, भुजा समानुपाती होने के बावजूद ये समरूप नहीं है, क्योंकि केवल भुजा समानुपाती होने से नहीं होते हैं, कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 को हल करना सीखेंगे।